ने कही थी कि आशीर्वाद है सरपंची मिलेगी, तो हमें सरपंची मिली है। इस मशीन में इस तरीके से आटे के चक्र घूम रहा है, इस तरीके का आटा, इस तरीके से आटे में पानी डाला जा रहा है। और जय गणपति बंदन दंदरुआ धाम में किस तरीके से आटा तैयार होता है, देखिए एक मशीन लगी है, इस मशीन में इस तरीके से आटे के चक्र घूम रहा है, इसमें आटा मारा जाता है। क्या प्रोसेस है, किस तरीके से ये पूरा आटा तैयार होता है? ये सूखा आटा इसमें डाला गया है, दिखाओ नज़दीक से, ये सूखा आटा है जो इसमें डाला गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मड़ा हुआ आटा, इस तरीके का आटा गूंद कर निकलता है इस मशीन से। और हमारे साथ भैया लोग ये हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, ये आटा देखो ले जा रहे हैं उधर आगे। दंदरुआ धाम में किस तरीके से आटा मरता है, आज पूरी प्रोसेस मैं बताने के लिए लाया हूँ। राधे भंडारी जी हमारे साथ हैं, अभी इसमें आटा डलेगा और किस तरीके से ये पूरा आटा तैयार होगा आज के इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। हमारे साथ दंदरुआ सरकार 1008 और हमारी भक्ति 1008 पर जितने भी भक्त श्रद्धालु जन जुड़े हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि आज आप मानसिक रूप से दंदरुआ धाम में जुड़ जाएं। आप भी इस तरीके की सेवाओं के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। आप भी ये आटा की मशीन, पूड़ी बेलने वाली मशीन, पूड़ियाँ सेकने वाली मशीनें भी दंदरुआ धाम में बड़े भंडारों के लिए प्रयोग की जाती हैं। उधर से आप बनाइए वीडियो, ये देखिए अब आटे में पानी डाला जा रहा है, इस तरीके से आटे में पानी डाला जा रहा है और ये आटा धीमे धीमे तैयार होगा। इसकी भी अलग प्रोसेस है, अब ये देखिए ये भी घुमाया जा रहा है, जो इसमें आटा मारने के लिए एक टब रखा है, इसको भी धीमे धीमे समय के साथ साथ घुमाया जा रहा है और कुछ ही मिनटों में ये आटा पूरा तैयार हो जाएगा मड़ के। मतलब जो घंटों का काम था वो अब मिनटों में परिवर्तित हो गया है। आप लोग वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि अन्य भक्तों तक भी ये नज़ारा पहुंच पाए और आप सभी दंदरुआ धाम दरबार में ऐसे पुनीत सेवा प्रकल्पों में जुड़कर अपना योगदान भी दे सकते हैं। ये देखिए आटा अब कुछ ही देर में, कितने मिनट लगते हैं इस आटे को तैयार होने में? आधा घंटा लग जाता है, 30 मिनट यानी। हाँ ठीक। और वैसे मारते तो कितना समय लग जाता? एक घंटा लग जाता, यानी समय की आधी बचत इस मशीन से हो रही है। आप देख रहे होंगे कि ये देखो तैयार होने लगा है आटा मड़ के, कितनी अच्छी प्रोसेस, आधुनिक तकनीकी यंत्रों का सहारा लेकर ये आटा तैयार किया जा रहा है। आपका नाम क्या है? माना रंजीत पटेल है। आप यहाँ दंदरुआ धाम में क्या सेवा देते हैं? हम भंडारे में रहते हैं। भंडारे में रहते हैं। इस तरीके के आधुनिक यंत्रों का सहारा लेकर दंदरुआ धाम की सेवाओं को और भी बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या मानना है आपको, किस तरीके से दंदरुआ धाम में भक्त श्रद्धालु जन जुड़ते हैं? हमारे बहुत काम हुआ है दंदरुआ धाम पे। आपका क्या काम हुआ है? हमारा कह देखो महाराज जी ने कही थी कि आशीर्वाद है सरपंची मिलेगी, तो हमें सरपंची मिली है। आप सरपंच बने? हाँ भैया हमारा सरपंच है। और दंदरुआ धाम में हमारे ताना थे, हमारा जो भी कुछ काम है रहा यहीं पर रहा। अरे एक काम दंदरुआ सरकार बना रहे हैं और ये देखिए आटा तैयार हो गया है, कुछ ही समय बाद ये आटे की प्रोसेस पूरी हो जाएगी और ये आटा गूंद कर तैयार हो जाएगा, यानी मर जाएगा आटा। ये देखिए आपको नज़र आने लगा होगा कि आटा लगभग तैयार होने वाला है, बहुत अच्छी प्रोसेस से, लेकिन इसको बहुत अच्छा बनाया जाएगा, सॉफ्ट बनाया जाएगा, उसके लिए कुछ देर तक और मारा जाएगा। तो आप सभी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं राघवेंद्र खेमरिया हमारी भक्ति 1008 यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ा था आप सभी भक्तों के बीच। आप सभी ने देखा ये पुनीत नज़ारा, वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी अन्य जानकारी भरी वीडियो भी आप तक पहुंच पाएं। सभी को सादर जय श्री राम।